बता दें सीए पर केरल के सीएम पी विजयन का बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि हम केरल में सीएए को लागू नहीं होने देंगे। सीएए सांप्रदायिक रूप से विभाजनकारी है। सीएए कानून में मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। ये बयान केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन की तरफ से आया है। आपको बता दें कि जब सीएए पास किया गया था संसद में, तब केरल की विधानसभा में इस विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया। सीए पर केरल के सीएम पी विजयन का बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि हम केरल में सीएए को लागू नहीं होने देंगे। सीएए सांप्रदायिक रूप से विभाजनकारी है। सीएए कानून में मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। ये बयान केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन की तरफ से आया है। आपको बता दें कि जब सीए पास किया गया था संसद में, तब केरल की विधानसभा में इस विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया। सीए पर केरल के सीएम पी विजयन का बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि हम केरल में सीएए को लागू नहीं होने देंगे। सीएए सांप्रदायिक रूप से विभाजनकारी है। सीएए कानून में मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। ये बयान केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन की तरफ से आया है। आपको बता दें कि जब सीए पास किया गया था संसद में, तब केरल की विधानसभा में इस विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया।